सही कहा गया है, जिस घर का बुजुर्ग ही सही नहीं हो और जिस घर में बुजुर्ग अपने ही बच्चों के साथ भेदभाव करते हो ना, उस घर का सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अधिकतर आप देखते होंगे और आम जीवन की कहानी है, घर घर की कहानी है जो मैं आज कहने जा रही हूँ और जो मैं सोशल मीडिया पर भी देख रही हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं अपने आस पड़ोस भी देखती हूँ, आज मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने ही बच्चों में भेदभाव करते हैं। मेरा कहना है कि जब बंटवारा हो जाता है, अब कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। अब बहुत सारे घर में देखना कि एक एक घर में जो होते हैं तीन चार भाई होते हैं, एक अच्छे पोस्ट पर होता है, एक अच्छे पोस्ट पर नहीं होता है और लड़ाइयाँ हर घर में होती है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जो अच्छे पोस्ट पर है वो जो कमा रहा है वो सब आपके पीछे लगाता जाएगा, लगाएगा कब तक लगाएगा, जब तक आप उस लायक हो। मतलब कहते हैं ना कि मजबूरी में दुधारू, कहते हैं देहाती में कहावत है कि दुधारू गाय का लात भी जो है वो अच्छा लगता है। लेकिन जो इंसान कमज़ोर है, जान रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से भी और वैसे भी, और जो इंसान कमज़ोर नहीं है, यानी दो भाई की मैं बात कर रही, जो कमज़ोर नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि फिर वो आपको, आप उसको गाली गलौज करो, समाज में उसका नाम खराब करो, घर में कलेश करो और वो एक भाई जो कमा रहा है वो आपको जीवन भर करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान की भी बात है, आप उसकी छवि को समाज में, घर में खराब कर रहे हो। चलो घर में तो समझ में आता है कि घर में मानसिक उत्पीड़न मिलता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो इंसान जो है अंदर से बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक होता है कि आप घर से बाहर कोई बात को कर नहीं रहो और दूसरा होता है कि इसी का पूरा फायदा उठाता है, वो घर घर जाकर, मतलब जहाँ वो उठता बैठता है वो आपकी चुगलियाँ करता है। और ये हर इंसान के जीवन की एक, कहती हूँ ना कि जीवन शैली है। तो आज मैं क्या कुछ कहना चाह रही हूँ, आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने का प्रयास करिएगा। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, मैं रितिमा राज स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मैंने नहीं सोचा था कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन बहुत देख लिया, बहुत देख लिया। और कहते हैं ना कि जब सब्र का बांध टूट जाए तो बोलना बिल्कुल उचित होता है। और जिस तरह से अभी अनीता जी और बसंती जी के साथ चल रहा है, ऐसा मैंने हर घर में देखा है। हर घर में आप अगर कितना भी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो और आप ही के घर में आपका अगर कोई दूसरा भाई है, वो भी मेहनत कर रहा है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो आपके जो आप बढ़ रहे हो आपके सक्सेस से उसको जलन होगा। और जलन ईर्ष्या इतनी खराब चीज़ है ना कि भाई भाई दुश्मन हो जाता है। तो ये होगा कि घर में तो आपसे किसी न किसी बहाने से लड़ेगा ही लड़ेगा, साथ ही साथ वो आपका समाज में भी नाम खराब करने की कोशिश करेगा। आप तो अपने काम पर निरंतर बिजी रहोगे और जब उसको टाइम मिलेगा वो अपना काम तो करेगा ही और साथ ही साथ आपका नाम भी समाज में खराब करेगा। अब आपको पता चलेगा तो आप तो भाई जाहिर सी बात है परेशान होगे, मेंटली तौर पर भी आपको टॉर्चर किया जाएगा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप किसी के पास जाकर बैठो और घर की बातों को बताओ। और दूसरा यही करता है क्योंकि उसके पास टाइम होता है, दिन भर वो घर में रहता है, जब काम होता है तो बाहर जाता है और जब छुट्टी होता है तो वो आपकी छवि खराब करता है लोगों के बीच आपकी बातों को रख कर। और यही सब कुछ हो रहा है बसंती जी और अनीता जी को लेकर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं बोलना भी नहीं चाह रही थी, मैंने सोचा था कि अब मैं रिएक्शन थोड़ा थोड़ा बंद करूँगी और हटूँगी इन सब चीज़ों से। लेकिन भाई कहते हैं ना कि पानी जब सर से ऊपर हो जाए तो बोलना बिल्कुल जायज़ है, और हम रिएक्शन चैनल वाले हैं। मैंने सोचा था कि मैं अपना कंटेंट जो है वो चेंज करूँगी, लेकिन भाई आदत हो गई है रिएक्शन देने की, तो जब भी वैसी कोई चीज़ सामने आती है तो बिल्कुल वैसा बोलना पड़ता है और निष्पक्षता से बोलते हैं। और जो बसंती और अनीता जी के साथ जो चीज़ें हो रही है ना, वो मैं उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, मतलब उनके घर की नहीं, ऐसा मैंने खुद भी झेला है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना बिल्कुल बनता है, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। इस वजह से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि दादाजी सचमुच आप दिमाग है आपके पास या फिर क्या बोलूं, घास चरने गया है। आप अपने ही बेटों के बीच एकदम कूटनीति कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, परिवार में भी राजनीति होती है। एक तरफ बसंती का केस इतना भी बड़ा नहीं था, बसंती बेल अनीता जी का केस इतना भी बड़ा बड़ा नहीं था, बसंती बेल करवा के आराम से बैठी। अगर उनका केस इतना बड़ा होता जैसा कि लाला जी ने बताया,
तो उनका बेल नहीं होता। लेकिन बसंती ने जो FIR करवाया है ना, उसके कारण इनको घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। और भाई बहुत सही बात बोल रही हैं लाला जी, जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आराम से नहीं रह पा रहे हैं, कहीं ना कहीं रह ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बसंती ने जो इन पर आरोप लगाया है ना, उसके लिए बेल मिलना इतना आसान नहीं है। तो एक तो बेल पर है, यानी कि बसंती बेल पर है, क्योंकि अनीता जी का केस उतना बड़ा नहीं था। जो हुआ था मारपीट का नॉर्मल, उन्होंने वैसा केस करवाया। लेकिन बसंती ने सोचा, और ऐसा देखिए मैं क्या बोल रही हूँ ना, मैं खुद इसकी क्या बोलूँ प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, तो इसलिए मैं समझती हूँ सामने वाला आपको गिराने के लिए ना अपने साथ रेप, अपने साथ कुछ भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा आपको गिराने के लिए, खुद भी नंगा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे झूठे मक्कार लोगों से मेरा रोज का पाला पड़ता है, इसलिए मैं समझती हूँ कि लोग जो हैं आपको गिराने के लिए, आपसे लड़ने के लिए छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ करेंगे। मतलब आप ज़्यादा कर रहे हो अपने घर के प्रति, वो उसको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर चार पैसा वो कहीं और दूसरे जगह लगा रहा है ना, तो वहाँ पर वो लिख लिख के रख रहा है खाता वही कि मैंने 100 रुपये यहाँ लगाया, मैंने 50 रुपये यहाँ लगाया, तो इसमें आप हिस्सेदारी दो। लेकिन जहाँ 1000 रुपये आप लगा रहे हो, वहाँ वो हिस्सेदारी आपको नहीं दे रहा है 500 रुपये। लेकिन जहाँ वो 20 रुपये लगा रहा है, जहाँ वो 10 रुपये लगा रहा है, उसमें उसको 5 रुपये आपसे चाहिए। तो घर ऐसे नहीं चलता है। जब आपको हिस्सेदारी ही देना है, जब आपको हिस्सा लेना है, तो जब पूरा घर बना था ना, उस समय तो आप लोगों ने बंटवारा कर लिया। अब जब अनीता जी ने पूरा लगाया, तो उसमें आपको हिस्सा चाहिए, तो फिर हिस्सा लेने के लिए भाई जो उन्होंने लगाया है वो तो आपको देना भी पड़ेगा। कि मुफ्त की रोटियां खाने की आदत होती है कुछ लोगों को, कि जब तक करते रहो करते रहो, हम बहुत अच्छे हैं, और जैसे ही हम करना, और वो इंसान सिर्फ करने लालच के तौर पर आपसे जुड़ा हुआ होता है, ना कि इमोशनली, बिल्कुल नहीं। ऐसे टाइप के लोग ना मैंने खुद देखे हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना शुरू किया है। ऐसे लोग ना सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए आपसे जुड़े हुए होते हैं, कि आपका कुछ भी थोड़ा सा काम करेंगे तो उनको लालच होता है कि 50, 100, 500 रुपये मुझे मिलेंगे। लेकिन अगर आप काम कर दो, तो फिर भाई जब सामने वाला काम करेगा, आप पैसे दोगे, तो फिर आप भी काम करोगे, तो आपको भी चाहिए। तो वही चीज़ है अनीता जी और बसंती जी के साथ हो रहा है, क्योंकि अनीता जी का जो केस था बहुत छोटा था, आसानी से बेल मिल गया। बसंती का जो केस था वो बहुत भारी पड़ा, और पड़ भी रहा है, कहीं ना कहीं पूरे लोग परेशान हैं। आज 16 दिन बसंती, अनीता जी और अंजलि आकर गांव पे रही, लेकिन कहीं कोई रास्ता नहीं निकला, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाहती है, नंगी तो ये हो गई है, मैं क्या बोलूँ, ऐसी महिला छी जिसको खुद का इज्जत का ख्याल नहीं होगा, वो दूसरों की इज्जत क्या करेगी। ऐसे लोगों से मेरा पाला तो रोज पड़ता है भाई, रोज, क्या बोलूं मैं। कोई 50 रुपया कहीं लगाएगा ना, तो उसका हिसाब किताब रखेगा कि 50 रुपया यहाँ लगाना है घर, मतलब कुछ भी छोटा मोटा काम ले लो कि यहाँ पर हिस्सेदारी देना होगा। लेकिन अगर मैं कहीं पूरा काम करूँ ना, तो उसमें हिस्सेदारी मांगू, तो लोग क्या कहेंगे पता है, मुझे मतलब नहीं है। तो भैया हमको भी मतलब नहीं है, फिर हम भी क्यों दें 50 रुपये? जब आप 500 नहीं दोगे, तो हम 50 रुपये क्यों देंगे? बात 50 रुपये की नहीं है, बात है कि जब आप नहीं लगाओगे, तो सामने वाला क्यों लगाएगा? उस समय आप गरीब बन जाओगे, कि हम गरीब हैं। लगाने के समय गरीब बन जाते हैं, लेने के समय बहुत बड़े अमीर और रईसी बन जाते हैं। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर। तो बसंती कुछ ना कुछ यही कुछ करी, और बसंती जैसी महिलाएं आपको चुन चुन कर एक एक घर में तो ज़रूर मिलेगी। और ऐसी महिलाओं का दिमाग ठिकाना लगाना हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है। आप विधवा हैं, विधवा होने का कार्ड मत खेलिए, मासूम बनने का कार्ड मत खेलिए, गरीब होने का कार्ड मत खेलिए। आप विधवा हैं, मासूम हैं, इसका मतलब सॉरी आपके मतलब आप दिखाती जो हैं कि हम बहुत गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप राह चलते किसी को थप्पड़ मार दो और आपको कोई जवाब नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है। ये दुखियाई कार्ड खेलना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, और अब लीगल एक्शन लेंगे, लीजिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोगों को दोस्तों पता ही चल गया होगा, और कुछ कुछ बातें मैंने जो मेरे रियल लाइफ से जुड़ी हुई भी है, और हर घर में होता है ऐसा, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं बातें रख ही दूँ, और इसलिए मैंने रखा, क्योंकि बहुत सारे लोगों मैंने अपने क्या बोलूँ आस पड़ोस में भी ऐसी महिलाएँ बहुत देखी है। मैंने देखा है कि दो घर में, एक घर में दो औरतें होती है ना, और एक होती हैं कि पूरा साफ़ सफाई करती हैं, एक होती हैं कि पूरा एकदम गंदगी से रहती हैं, और थोड़ा सा कहीं साफ़ कराना पड़ गया ना,
लेबर लगा के तो कहेंगे कि 100 रुपये लगा है, 50 रुपये दो, तो भैया जो 1000 रुपये लगा रहा है वहाँ पर भी 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे ना। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए, आपको सिर्फ अपने 50 रुपये की पड़ी है तो भाई मुझे भी 500 की पड़ी होगी ना। जब घर है और जब मरम्मत होगा तो उसमें पैसा बराबर का लगेगा, उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि आप गरीब हो आप विधवा हो, हिस्सा लेने के समय तो पूरा चाहिए, देने के समय नहीं चाहिए। और भाई जब दीपक जी की शादी नहीं हुई थी उस वक्त तो लाला जी ने नहीं मांगा था तुमसे पैसा, या फिर दीपक जी से नहीं मांगा था कि सॉरी कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी पत्नी आएगी भाई तो तुम हिस्सा दो, नहीं, उन्होंने निस्वार्थ भाव से घर में पैसा लगाया। और जब इनकी पत्नी आई तो उन्होंने बंटवारा करवा दिया, चलो बंटवारा भी जेन्युइन हो गया। लेकिन जब बंटवारा होने के बाद जब लाला जी और अनीता जी ने अपने हिस्से में जब मान लो वो 4 तल्ला खड़ा कर लिए तो उसमें भी अब आपको हिस्सा चाहिए, मतलब आपको चाहिए क्या, नाम तो इन लोगों का आपने खराब कर दिया, साथ में अपना भी खराब कर लिया। लेकिन जो इंसान खुद नंगा हो जाता है ना वो सामने वाले को किस हद तक गिराएगा, और जो इंसान खुद गिरा हुआ होता है वो सामने वाले की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे बड़े बुजुर्ग अगर जिस घर में हो ना, मैं तो यही कहूँगी ऐसे बड़े बुजुर्गों को भगवान भी कहीं जगह नहीं देगा, नर्क के भुगत भोगी होंगे, और जब जाइएगा ना तो पिल्लू पड़ेंगे आप लोगों को, यही कहूँगी। तो बस यही कहना था, और काफ़ी मैंने अनीता जी को परेशान देखा, बहुत ज़्यादा, और आज नहीं कितने दिनों से देख रही हूँ, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा इंटेंशन किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन जो इन लोगों के साथ हो रहा है ना वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर में ज़रूर होता है ऐसी चीज़ें, और मैंने तो भाई देखा है, अपनी आँखों से देखा है ऐसी चीज़ें होते। तो मैं समझती हूँ कि एक इंसान गरीब होने का कितना फ़ायदा उठाता है। अरे भैया गरीब है कोई, तुम गरीब हो और तुम्हारा भाई अमीर है, तो तुम जब जान रहे हो कि 2-4 पैसे हमको उससे मिलेंगे या फिर आशा रखे हुए हो तो उसकी इज्जत करना भी सीखो ना, नहीं तो उसका नाम पूरा समाज में बदनाम करना है, कलंकित करना है, और उसी से आशा भी रखना है कि ये हमको देगा, तो ऐसा नहीं होता। और आपकी पोल पट्टी तो बहुत जल्दी खुल गई। तो चलिए यही कहना था मुझे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।